वजीर आला बलोचिस्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त ये चलेंगे। एक दूसरे को इकट्ठा करें लेकिन नहीं कर सके। मैं अभी भी इंशाल्लाह लगा उनके साथ टच में रहूंगा और कोशिश करूंगा रब्ता करके कि एक हो जाए और बाप पार्टी और तमाम जो इत्यादि पहले एक थे अभी भी एक हो जाए इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद रहे कि चीज़ें बेहतर हमें इकट्ठे होके सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। हमारा काम यहाँ पे आपस में लड़ने का नहीं है, टाइम बहुत कम है। इस टाइम में अगर हम इन चीज़ों को लेके रहेंगे मेरे ख्याल में हम लोगों के तवक्कात पे पूरा नहीं उतरेंगे और लोगों के काम नहीं करेंगे। अल्लाह हमसे पूछेगा कि आप लोगों को जिम्मेदारी दी, आप लोग इसमें कहाँ तक आपने कामयाबी हासिल किया। मैं फिर भी अपने उन दोस्तों से जो उन्होंने तहरीक लाया था, मैं फिर भी इंशाल्लाह उनसे रब्ता करूँगा और मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है और हम साथ एक दूसरे के लिए इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ तआवुन करें ताकि हम आवाम की खिदमत करें और सूबे की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। तो इस मौके पे मैं अपोजिशन के तमाम जिसमें बीएमपी मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं, उसके लीडर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम का उसका भी, मौलाना वासे का, फजल रहमान साहब का, गफूर हैदरी साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस और महमूद खान के पार्टी का भी, उससे पी के मैक के नसरुल्ला ज़ेरे का अज़ार इनका कि वो अपोजिशन में होते हुए उन्होंने गैर जानबदार रहे और इस हालात में उन्होंने इस मौके का हमें और नवाब सनाउल्ला ज़ेरी पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब का कि उन्होंने तावन किया।